अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीजों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक क्लैरिफिकेशन मात मांगती हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए, क्या एक बार राहुल गांधी गए? बड़ा आसान है तोहमत लगाना, लेकिन आप किस पे तोहमत लगा रहे हैं? लोकतंत्र पर। आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं, और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। जद्दोजहद ये वोटर की है, क्योंकि वोटर ने 10 वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूं, जहां पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं। 4 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है। जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान। और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं। स्मृति जी, आपने कहा कि मरते दम तक, ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहां गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। पर आप ये भी मानेंगे? नहीं, पर लेकिन लेकिन ये ऐसी भावना क्यों? ये गुस्से ये की ऐसी है, ये भावना बदले की इसलिए, नहीं, है, ये मैं द्वेष की बिल्कुल है। ऐसा है, मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूं रूबिका जी, अगर आपने 4 लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हो कि वो खुले में शौच कर सके, उस इलाके में जहां 50 साल इस खानदान ने राज किया हो, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे। अगर आपने 3 लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा, उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है। अगर आपने 4 लाख लोगों को बिना छत के देखा हो, आप जानते हैं जहां 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, राहुल गांधी 15 साल वहां पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, 10 साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थी, उनके मित्र अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आपको पता है कि कलेक्टर के ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह ने आकर किया? वहां पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई। ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहां। क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं, तब तक इनको वोट मिलता नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है, इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो। ताकत थी, साधन था, प्रोसेस में, पॉलिसी में इनका सहयोग था, चाहते तो कर सकते थे, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहां जाने से जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी, उनको ही रायबरेली ऑप्शन चुनती? नहीं था, शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का। और मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई, तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं है, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, लोगों को निर्वस्त किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहां 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है। आप बिलीव करेंगे, जहां 50 साल उनका राज था, वहां 60% घरों में कभी बिजली नहीं थी।
तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो। तो जब आपको कहा गया कि आप वहां चुनाव लड़िए, या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया, आपका गृह प्रवेश घर बनाया है, गृह प्रवेश हुआ, उसकी आपको बधाइयां, लेकिन उसमें भी आपको 5 साल लग गए। हाँ, तो वो अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अब तो जिसके पास नेता ऐसे हों, जिनकी कविताएं ऐसी हों, तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। अच्छा, लेकिन मुझे किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ जी, जहां पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था, और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, 22 में है। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे, तीनों ने मिलकर मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे, मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3,00,000 वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3,00,000 वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। इसीलिए तो जब यात्रा लेकर आए थे, जनता तो छोड़िए, उनका कार्यकर्ता भी नहीं था वहां। कहते हैं कि कंफ्यूजन था, क्योंकि वो अलायंस जमा नहीं था उस वक्त, ऐसा कि आनंद सपा आए कि नहीं आए। मैं आभारी हूं कि आपने ये कहा, तो नेता भी कंफ्यूज्ड है, अलायंस भी कंफ्यूज्ड है, काडर भी कंफ्यूज्ड है, मर्सीफुली देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप मानती हैं कि देश को कंफ्यूजन नहीं है, 370 प्लस बीजेपी 400 पार। मेरा मंतव्य और सब छोड़ दें, यहाँ पूछ लीजिए। आप पूछिए? नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं तो फिर फेर ये मेरी ओर से प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर कौन मानता है राहुल गांधी इज द होप फॉर 1.3 बिलियन पीपल? एक तो 1.4 बिलियन भी नहीं लिखा है। चलिए शो ऑफ हैंड्स कर लेते हैं, हम नहीं एग्री विद मिस्टर पी चिदम्बरम। अब बताओ कौन राजा है, जनता की ईवीएम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपको अगर कोई खौफ है तो खौफ ना रखे, बेखौफी से कोई ऐसा है जो पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से और राहुल गांधी? अरे मुझसे ज्यादा तो रूबिका जी पी चिदम्बरम का खौफ है, इसलिए कि वो वापस सत्ता में ना आए, ताकि जो लूटा था वो वापस लुटेरों के पथ पे ना चला जाए। मैं आपको कॉन्टेक्चुलाइज आपकी अनुमति से एक चीज करना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं द लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2004 से लेकर 14 तक का लॉस हुआ है। जब जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस देश में, अगर आप विशेष रूप से उनकी परफॉर्मेंस देखें, आज हम मोदी जी की चर्चा करते हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उनका जो कार्यकाल था, अगर बैंकिंग की बात करें, ठीक, बैंकिंग का जब उनको इनहेरिट किया उन्होंने एनपीएस, वो लगभग 16% या 17% था। जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा 2004 में, एनपीए लगभग 7% तक आया, तब तक वो ला चुके थे नीचे। कांग्रेस के राज में 2012 पे आप जाइए तो वापस एनपीए 12-13% तक बढ़ चुका था। जब अटल जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी और यूपीए की सरकार आई थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा था 9% पे, आपका सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था 7% में, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था 8% पे, आपके जो एडवांसेस देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो थे लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए पे। यूपीए का अगर आप आज भी नंबर उठाकर देख लें, यूपीए ने 2012 तक, 4 से लेकर 12 तक, आपको पता है कितना एडवांसेस दे दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से? 39,00,000 करोड़।
जिसमें से 3.8 लाख करोड़ वर बैड एसेट्स एंड नेवर डिक्लेयर्ड। ये खामियाजा किसने भुगता? देश ने भुगता। तो इसीलिए कह रही हूं उनकी परंपरा है देश को लूटने की। और जो 10 साल मोदी जी के रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेवलेशन भी रहे हैं। दिस होल फैमिली हैज बीन टेस्टेड ऑन इट्स मेटल, ऑन इट्स पॉलिटिकल परफॉर्मेंस एंड इनपुट्स, एंड द बेस्ट टेस्ट आई थिंक फॉर द कंट्री वाज व्हेन कोविड केम। स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा? और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। समय अल्प है, लास्ट के 30 और 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा हम 5 शब्द आपको बताएंगे। रैपिड फायर है जैसा है कि व्हाटएवर कम्स टू माइंड। हमें नहीं पता था एक दिन आनंद नरसिम्हन करण जौहर का पूरा स्वरूप धारण करेंगे। देखिए, ये एक नाता तो रहा है कहीं ना कहीं करण जौहर से। नहीं, एंटरटेनमेंट से। और करण जौहर अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं आपसे मित्र भी हैं। अच्छा, तो यू सी योर जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, ऑल द आईब्रोज आर गोइंग अप। यस, तो हम आपके सामने शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप एक या दो शब्दों में या एक लाइन में खत्म करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, पहले ओके। शक्ति, दुर्गा, देश। राहुल, नाम तो सुना होगा। ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था, स्मृति हो। अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन। मोदी, शक्ति के उपासक। 370 400 बार। और आखिरी स्मृति माँ।